मैंने भी ऐसा कुछ सुना है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और जब भी ऐसा कुछ सुनती हूँ तो नेचुरली, हमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे लोग बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई ऐसा ना बोले तो मुझे लगेगा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, जो लोग मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो आई लाइक इट, आई एंजॉय इट, इट्स अ पार्ट ऑफ आई थिंक बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। फिजिकल एसेट्स, वैसे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मिरर में देखती तो नहीं हूँ, पर लोगों को मेरे बाल और मेरी आंखें बहुत पसंद है। काफ़ी लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं मुझे मेरी बालों के लिए, मेरी आंखों के लिए। एंड बॉडी वाइज, फिजिकली मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, वर्कआउट भी नहीं करती। बीच में शुरू किया था, लेकिन हमारा जो टाइम शेड्यूल होता है उस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। इट्स अ गॉड्स गिफ्ट दैट आई एम फिट एंड परफेक्ट। एंड आई थिंक क्योंकि हम इतने शूटिंग में हम बिज़ी होते हैं, सुबह 9 से रात के 10 बजे तक शूटिंग करते हैं, हमारे अपने पैरों पर होते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन सीन्स के बाद सीन्स करते हैं, तो वी आर फिट। बीस साल का जो लीप हुआ था, लीप की वजह से मैंने छोड़ा, ऐसी कोई रीज़न नहीं थी, ऐसी कोई वजह नहीं थी, छोड़ा भी नहीं था। मैंने ब्रेक लिया हुआ था 3 महीने का, क्योंकि 2.5 साल से वो शो ऑन एयर था और मुझे लगा कि जैसे मैं तंग आ जाती हूँ एक ही चेहरे को टेलीविज़न पे बार बार देख देख के, कहीं पर शायद ऑडियंस भी थोड़ी शायद बोर हो गई होगी। तो चैनल ने और हमने सब ने मिलकर डिसीजन लिया कि आई विल कम बैक ऑन द शो, लेकिन एक नए रूप में, एक नए अंदाज़ में। तो इसलिए मैंने वो ब्रेक लिया था 3 महीने का। 3 महीने का वो जो टाइम पीरियड था काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना मिस करने लगी थी देश को। हालांकि आई न्यू कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू कम बैक, बट आई वॉज मिसिंग इट एट द सेम टाइम। सी, ऑफ कोर्स इट वाज अ चैलेंज। पम्मी, जो पहले जो मेरा किरदार था पम्मी का, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार किया। तो मेरे लिए दूसरा चैलेंज था कि अब जब मैं शो पर वापस आई हूँ एज माही, लोग उसे भी उतना ही पसंद करें, उसे भी उतना ही प्यार करें। और अभी तो पम्मी भी दोबारा वापस आ गई है, तो अभी तो मैं डबल रोल कर रही हूँ, पम्मी और पम्मी की बेटी माही। तो नेचुरली चैलेंज तो था ही मेरे लिए कि लोग दोबारा, एक तो उतने गैप के बाद जब वापस लोग देखते हैं आपको एक्सेप्ट करें। हालांकि काफ़ी जगह पर मैं गई तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने शो क्यों छोड़ दिया, तो मैंने कहा नहीं, मैंने शो छोड़ा नहीं है। वैसे तो नहीं कहा कि शो छोड़ा नहीं है, पर मैंने उनसे कहा आप लोग तंग नहीं आ गए मुझे देख देख के? तो वो लोग कह रहे नहीं नहीं तंग नहीं आए देख देख के। तो आई फील इवन द ऑडियंस दे आर वेरी अनप्रडिक्टेबल, वो कभी शिकायत करती है कि एक ही चीज़ आप चलाते रहते हो और हम देख देख के थक जाते हैं, और वो चीज़ उनको रोज़ ना दो तो भी वो थक जाते हैं और वो बोर हो जाते हैं। एज आई सेड, आई नेवर लेफ्ट द शो। हाँ, देट वॉज अ वेरी इट गेव अस ऑल अ वेरी बिग हाई। हम सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे उस पीक पे पहुंच के। आई थिंक क्योंकि सास भी गई बहुत ही जैसा शो जो कॉन्स्टेंटली टॉप पर है, और उसको किसी वीकली शो ने कंपटीशन दिया हो और वीकली शो ने उसको डिसलॉज करके हम लोग नंबर 1 पोजीशन पर गए थे, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा हाई था, नो डाउट। पर ऐसा कोई, मैंने कभी कोई ऐसा डिसीजन सोच के नहीं लिया है कि मुझे अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई हैव ऑलवेज फॉलोड माई हार्ट। वेन एवर आई डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग या मेरा करने का मन नहीं होता, मैं नहीं करती कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इट वॉज़ अ चैलेंजिंग रोल। संगीता घोष को जिस तरह से ये लोग प्रेजेंट करने वाले थे, मुझे पता था कि मैं आने वाली हूँ शो में दोबारा, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ था कि कैसे होगा क्या होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि आज किसी भी शो पर, किसी भी सीरियल में 3 महीने बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता, 1 हफ्ते बाद क्या होने वाला है नहीं पता होता कि कैसे स्टोरी जाएगी। तो
मैं वापस आने वाली हूँ ये तो पता था, पर किस तरह से होने वाला है ये डिसाइड नहीं किया गया था। फिर बाद में डिसाइड किया गया कि माही विल बी अ डांसर एंड शी विल बी अ जैज डांसर, नॉट अ वेरी इंडो फ्यूजन काइंड ऑफ अ थिंग। सो वी शॉट ग्रेट प्रोमोज एंड इट वॉज क्वाइट अ थिंग। आई गॉट सो मैनी कॉल्स एंड एवरीबडी वर लाइक ओ गॉड, हमको ऐसा लगा जैसे हम किसी फिल्म का प्रोमो देख रहे हैं या कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं। द प्रोमोज वर सो गुड, सो आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Why I came back? See, I have got nothing to do with the TRPs. I mean, I'm not the producer. I'm not the TRP से मेरा कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन see, it always feels very nice. It always gives your ego a boost. You know that somewhere अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से लोगों ने कुछ लोगों ने देखना बंद कर दिया है क्योंकि वो लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं शो पर एनीमोर, तो आपको अच्छा तो लगना ही है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी पीछे बैठकर लाइक अ संत के, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा नो डाउट कि इतने लोगों को लगा कि मैं क्यों नहीं हूँ शो पर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया मैंने वापस आना ही था, लेकिन हाँ एक कारण था कि मैं शायद जल्दी आ गई, शायद मैं और थोड़ी देर के बाद आती, लेकिन आने का शायद ये एक रीज़न, जल्दी आने का एक रीज़न था क्योंकि मे बी उनको पता नहीं था कि कैसे स्टोरी आगे। अब जैसे कि मैंने बताया कि कहानी का आपको पता नहीं होता कि एक हफ्ते बाद कहानी हमने क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो ऐसी बात है। आई डोंट नो अबाउट दैट हाउ मच अदर एक्ट्रेसेस गेट पेड। आज टेलीविजन इंडस्ट्री में आई थिंक पहले जब मैंने शुरुआत की मैंने भी बहुत कम पैसे में काम किया है, मैंने मुफ्त में भी काम किया है। आज जब आप एक पोजीशन पर आ जाते हैं जहां पर आप पैसे डिमांड कर सकते हैं, और अगर मैं डिमांड कर रही हूं और मुझे वो पैसे मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से उस वो प्रोड्यूसर अब कोई प्रोड्यूसर अपनी जेब से पैसा नहीं भरता। वो प्रोड्यूसर तभी मुझे दे सकता है अगर वो भी पैसे बना रहा है और मुझे वो पैसे दे सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो ही मुझे देगा। वो अपने घर से पैसे निकाल कर तो डेफिनेटली मुझे नहीं देगा। तो इफ़ ही थॉट, अगर उन्होंने सोचा होता कि इट्स नॉट वर्थ इट, तो वो शायद मुझे नहीं देते। बट आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट। आज टेलीविज़न में लोगों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं और मिलने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेस होता है आजकल टेलीविज़न में काफ़ी लोगों को, टचवुड मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं एक साथ तीन तीन शोज़ नहीं करती हूँ। कॉन्शियसली आई डोंट डू थ्री शोज़ एट वन टाइम, आई डू वन शो मैक्सिमम टू शोज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इतना स्ट्रेस होता है एक्टर्स को, मैंने देखा है कि वो एक सेट से दूसरे सेट भागते रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, दे लिव फ्रॉम वन वैनिटी वैन टू अनदर वैनिटी वैन। सो समवेयर दे विल आस्क फॉर अ प्राइस, यू नो, बट इट्स सैड के इन द प्रोसेस हेल्थ वाइज दे लूज अ लॉट। आई डिड कोट अ प्राइस एंड समवेयर वी सेटल्ड इन बिटवीन, यस। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस? नो नो नो, देयर वर नो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। इट वॉज वेरी नॉर्मल जो है। I still don't come with my staff. I don't have my set of makeup men and my set of hairdressers following me wherever I go. I'm not that kind of an actor. My terms and conditions, I've never put any terms and conditions. So I do my own makeup, I take care of my own food, I take care of my own hair. I think a producer will, why shouldn't he want me if I'm taking care of myself? I mean, I read all the screenplays. I want to know the story before we are shooting. So I see to it, I take a special interest in the show that I am doing. क्या कपड़े होने चाहिए, क्या लुक होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, फला कलर होना चाहिए, अरे ये सीन में ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो आई पर्सनली मैं हर एक चीज़ में ध्यान रखती हूँ। तो मेरे ख्याल से और एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को और क्या चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र आई हैं, पर you know it's a very funny thing, people ask me that, you know, so how much have you struggled, and I always say that we are struggling all the time,
टुडे व्हेन आई एम पॉपुलर, टुडे यू आर टेकिंग माय इंटरव्यू बिकॉज यू नो वट एवर माई शो हैज़ बिकम सो पॉपुलर. इट इज़ सच अ स्कैरी थिंग फॉर मी टू थिंक वॉट एम आई गोइंग टू डू आफ्टर दिस. आई मीन देश इज सो बिग, इज देयर गोइंग टू बी समथिंग बिगर देन देश फॉर मी? वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप बिगर देन देश, यू नो? सो बट आई यूज टू थिंक अबाउट दिस अ ईयर बैक, बट आई हैव स्टॉप थिंकिंग. आई समवेयर से यू नो आई शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एक्टर एंड बी एन एक्टर ओनली. आई डोंट नो टुमारो वॉट आई माइट डू. You never know, I might turn into a producer, into a director, or I might just be a housewife, whatever I feel like. So I don't want to plan my future. One thing I'm sure of, that main zindagi par kaam zarur karte rahungi, kyunki mujhe kaam karne se ek satisfaction milta hai, that every day of mine that I spend, I'm contributing towards my life, towards my family. That this is one thing आई एम श्योर ऑफ कि मैं काम ज़रूर करूँगी, दैट मुझे ऐसा नहीं लगेगा बाई द एंड ऑफ द डे दैट ओ शिट आई हैव वेस्टेड माई लाइफ. सो वॉट फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आई डोंट नो, देयर हैव बीन लॉट ऑफ ऑफर्स, लेट्स सी वॉट आई सिलेक्ट, लेट्स सी वॉट आई डू. सो मैनी पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने पूछा. आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा तो कोई है नहीं जो एकदम सेक्सी लगता है टेलीविज़न पे. कि काफ़ी काफ़ी फेसेस हैं जो बहुत अच्छे हैं टेलीविज़न पर. थैंकफुली लॉट ऑफ गुड लुकिंग मैन हैव कम ऑन टेलीविज़न. देयर आर मैनी, आई डोंट फाइंड एनी वन पर्टिकुलर पर्सन सेक्सी टू बी वेरी फ्रैंक. फिल्म ऑल्सो देयर, आई थिंक आई फाइंड अभिषेक वेरी हॉट. आई फाइंड हिम वेरी हॉट.